तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी डंकी के कुछ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन, जिसमें हम देखेंगे कि इस मूवी को किस प्रकार से और कहां कहां शूट किया गया है और साथ ही हम जानेंगे कि इस मूवी को कितने दिनों में शूट किया गया है। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरा देखने से ही आपको पता चलेगा कि आखिर इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि इसकी ज्यादातर शूटिंग मुंबई, जबलपुर, कश्मीर, बुद्धापेस्ट, लंदन, जोधा और नियोन जैसी लोकेशनों पर की गई है, जिसमें आप मूवी के इस फर्स्ट सीन को देख सकते हैं, जिसमें मूवी में पहली बार शाहरुख खान की एंट्री दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस सीन को शूट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीन को सूरत के एक रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था। दोस्तों हम सब ये तो जानते ही हैं कि शाहरुख खान की हर एक मूवी में ट्रेन वाला सीन होता ही है, जिसे शाहरुख खान कुछ इस प्रकार से शूट करते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस मूवी में भी इस वाले सीन को किया है। अब इस सीन को देखो जो कि बंदा सॉन्ग का सीन है। आप देख सकते हैं कि कैसे खेतों में इस सीन को शूट किया जा रहा है। अब इस सीन को देखो, ये सीन उस टाइम का है जब शाहरुख खान लंदन अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाते हैं। इस सीन को कश्मीर के पहलगांव में शूट किया गया है, जिसे आप शूट करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों वैसे इस मूवी को राजकुमार हिरानी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जिन्होंने मुन्ना भाई, थ्री इडियट और पीके जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि अपने टाइम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। वैसे दोस्तों इस मूवी ने भी पहले दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 25 करोड़ का, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो पाएगी, क्योंकि दोस्तों आज के दिन यानी कि 22 दिसंबर को प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट मूवी सलार को भी रिलीज किया जा रहा है, जो कि मार्केट में अपनी हाइप बना चुकी है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सलार और डंकी में सबसे ज्यादा कौन सी मूवी कलेक्शन करने वाली है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।